डियर फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग फैमिली मेंबर्स। सबसे पहले आप सभी लोग इस आवाज़ को पहचानते भी हैं और मुझे जानते भी हैं, फिर भी मैं अपना नाम लेकर के अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। राशिद नसीम बात कर रहा हूँ, शाइन ग्रुप का चेयरमैन। उस इंसान ने जिसने एक ऐसी कंपनी बनाई जिस कंपनी में हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे लोग जिनके अंदर स्किल थी या जिनके अंदर स्किल नहीं थी, एक माहौल और एक सपोर्ट सिस्टम के साथ आगे बढ़े और जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए, जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर जो ख्वाब शायद देखे भी ना हो उससे बड़े ख्वाब शाइन ग्रुप ने दिखाया और उसे पूरा भी करवाया। उस ख्वाब को पूरा करते हुए जब लोगों के पास उनके बंगले, उनकी गाड़ियाँ या सारी खुशियाँ आनी शुरू हुई, तो उन्हें कि अपने लोगों ने उन चीज़ों को रोकना चाहा या उन चीज़ों के लिए उनको ताना दिया, उन्हें डराया। उस समय जिस समय पैसे बरस रहे थे, तब इन सभी लोगों ने ऐसे लोगों को इनकार किया, इग्नोर किया और ऐसे लोगों के बातों का जवाब दिया। और ऐसे लोगों के लिए तब शाइन ग्रुप ने, मैंने व्यक्तिगत तौर पर सामने खड़े होकर के हर वो ख्वाहिश, हर वो तमन्ना, हर वो इच्छा उनकी पूरी करी जो उन्होंने ज़रा सा भी सोचा या मुंह से निकाल भी दिया। कोई भी ऐसा शख्स, ऐसा इंसान नहीं हो सकता है जो मेरे सामने आँख में आँख डाल करके बोले कि उसने अपनी ज़िंदगी कोई ख्वाहिश रखी हो मेरे सामने और उसे मैंने पूरा करने की कोशिश ना की हो, पूरा ना किया हो। माय डियर फैमिली मेम्बर्स, ये चीज़ें इसलिए नहीं की गई थी कि आपसे कुछ गलत करवाना था, ये चीज़ें इसलिए की गई थी कि आपको निखारना था, आपके ख्वाबों को छोटा करना था। जो ख्वाब आपके औकात के बाहर थे उन्हें दिखाना था कि ये ख्वाब छोटे हैं और आपके हौसले बड़े हैं। मैंने हमेशा ज़िंदगी में यही ट्रेनिंग दी आप सभी लोगों को कि ज़िंदगी को ये दिखाओ कि तुम्हारे हौसले ज़्यादा बड़े हैं, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारे ख्वाब बहुत छोटे हैं। जिस वक्त ऐसे लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश करी, जो उनके करीब के होते थे, उनके दोस्त होते थे, उनके अहबाब होते थे या उनकी टीम के जूनियर होते थे या सीनियर होते थे, मैंने ऐसे लोगों को दरकिनार करके ऐसे लोगों को के टैलेंट को निखारा या संवारा जो लोग उसे डिजर्व करते थे। जो लोग मेरे साथ खड़े होकर के दुनिया भर की बातें करते थे, कस्में खाते थे, उन सभी लोगों के साथ मैंने ये वादा किया कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, कहीं भी रहो, लेकिन मेरा साथ सपोर्ट आपको रहेगा। मुझे याद है 25 सितंबर 2018 की बात है, मुंबई का रमाडा होटल, वहाँ पे एक मीटिंग सेमिनार, मैंने एक बात कही थी कि जिस दिन शाइन परिवार के ऊपर कोई ऐसी विपत्ति, कोई ऐसी दिक्कत आई, अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ी मुझे अपनी कुर्बानी देने की, मैं अपनी कुर्बानी दे दूँगा। बहुत से लोगों ने उस बात को बड़ा इमोशनल लिया, तालियां पीटी और उसके बाद लोगों ने जो है अपनी अपनी तरफ से ये कमिटमेंट मुझे दिया कि सर कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो सर सबसे पहले आगे मेरा सर होगा। माय डियर, आज इस ऑडियो डालने के पीछे मकसद दो हैं। पहली चीज़, जो बच्चे आज मैदान में लड़ रहे हैं, जो बच्चे आज मैदान लेबिलिटी उतारने के लिए जा रहे हैं, उन्हें उनके सीनियर्स या उनके साथ के लोग ये ताने दे रहे हैं कि बहुतों को दिया है, देखता हूँ तुम्हें क्या मिलता है। अरे जिस समय आपको दिया था उस समय उनको पूछा नहीं था, उनसे बताया नहीं था, उन्होंने आपसे नहीं पूछा था आपको क्या मिला। इंतज़ार तो करिए, सब्र तो करिए, धीरज तो रखिए, विश्वास करके देखिए, देखिए क्या देता हूँ मैं। और मैं अगर आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं उनके लिए क्यों नहीं करूँगा। मैं हर उस शख्स के लिए करूँगा जो शख्स खड़ा होगा मैदान में काम करने के लिए। इसके साथ साथ मैं अपने सभी प्रेसिडेंट को एक बात याद दिलाना चाहूँगा। 26 जनवरी को जब आप सभी दुबई में आए थे पहली बार, मैं आप सभी लोगों के मोबाइल को रिजर्व रख करके आप सभी लोगों को एक प्लेस पर ले गया था, एक जगह ले गया था और वहाँ आपसे एक बात कही थी, जाइए दमदारी से काम करिए, दिल खोल के काम करिए, अगर कोई आपके रास्ते में रुकावट बने आप मुझसे बात करिए। आज की डेट में आप सभी लोगों ने इतना सक्षम, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली बना दिया है इस कंपनी को और मुझे कि कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी अगर होती है, कोई आपके सामने रोड़े अटकाता है तो उससे मैं निपट सकता हूँ। ये सक्षमता, ये ताकत, ये पावर आज भी शाइन ग्रुप के पास में है कि बिला वजह अगर किसी ने भी शाइन ग्रुप के किसी भी योद्धा के सामने रोड़े अटकाए तो उससे निपटना, उसे समझना, उसे देखना, उसे समझाना और उसके ऊपर कानूनी एक्शन लेना, ये शाइन ग्रुप अच्छे से जानता है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जो बच्चे काम कर रहे हैं मैदान के अंदर, जो बच्चे अपने ग्राहकों के, अपने कस्टमरों की लायबिलिटी को उतार रहे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें भड़काना, भटकाना, धमकाना बंद कर दीजिए। इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वहां पे कहीं आपसे कोई मुझे हेल्प चाहिए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन बच्चों के हौसलों को सिर्फ आपके वो तोड़ नहीं सकते हैं, आपकी धमकियां तोड़ नहीं सकती हैं, इनकी नीयत मजबूत है, इनके साथ मैं खड़ा हूं।
अगर इनको कभी जरूरत पड़ गई तो आप देख लीजिएगा कि राशिद नसीम शाइन परिवार की ताकत, शाइन परिवार के वो सक्षम लोग जो आज कस्टमर साथ खड़े हैं, कैसे किस तरह से दीवार बनकर आप सामने खड़े होते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ शाइन परिवार के हर एक बंदे को जो शाइन के साथ खड़ा है, अपने कस्टमर की लाइबिलिटी उतार रहा है, ईमानदारी से और ताकत के साथ में, जज्बे के साथ में अपने कर्तव्य को पूरा करिए। ऐसा कोई भी ताकत, ऐसी कोई भी शक्ति, ऐसी कोई भी चीज़ आपका बाल बेका नहीं कर पाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। शाइन परिवार ऐसे नहीं बना है, प्यार से बना है, विश्वास से बना है। उस प्यार और विश्वास में जिन लोगों ने अपने आप को निचोड़ दिया था, जिन लोगों ने अपने आप को डुबा दिया था, आज वो खड़े हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने ऐसी शक्ति को, ऐसी ताकत को, ऐसी चीज़ों को टेम्परेरी देखा था या वक्ती तौर के लिए समझा था और उन्हें लगता है वो कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ना तो इनके अंदर इतनी हिम्मत है, ना इतनी ताकत है, ना इतनी पावर, ना इतनी सच्चाई है कि वो डिगा सके शाइन परिवार की किसी भी व्यक्ति को जो शाइन के साथ खड़ा है। आज की डेट में मेरी बातों को आप चाहे जिस रूप में लेना चाहे ले लीजिए, जैसे समझना वैसे समझिए, जो करना हो करिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, शाइन परिवार के साथ खड़ा कोई भी बंदा अगर उसको खरोच तक आ गई, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया, अगर उसकी अस्मिता पर कोई बात आ गई, तो आप ये मान के चलिएगा एक अदृश्य ताकत से आपका सामना होगा, एक ऐसी ताकत से आपका सामना होगा जिसे आपने शायद देखा नहीं होगा, जिसे शायद आपने कभी फेस नहीं किया होगा। लेकिन यकीन जानिए, गलत वजह से, गलत तरीके से, गलत हिसाब से अगर आपने किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत करना चाहा, तो यकीन जानिए शाइन परिवार, मैं और ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, और हम इसीलिए अपने कस्टमर के साथ खड़े हैं क्योंकि हम उनके सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहते। लेकिन दो दो कौड़ी के चंदों पर जीने वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि चंदे की जिंदगी जीना छोड़ दीजिए, और करना ही है तो कहीं और जा करिए। शाइन परिवार के शेरों को मत छेड़िए, राशिद नसीम को मत छेड़िए। अगर हमें छेड़ दिया और हम जाग गए तो यकीन जानिए ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं इसको धमकी नहीं दे रहा हूँ, साबित करके दिखा सकता हूँ। मैं इसे किसी प्रकार से कोई गलत शब्दों में नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे जो भी संवैधानिक कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा मैं अपना के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन यकीन जानिए अपने एक एक कस्टमर की लाइबिलिटी को उतारने के लिए अगर सर भी कटाना पड़ा तो सर भी कटा सकता हूँ, सर झुकाना पड़ा सर भी झुका सकता हूँ, हाथ जोड़ना पड़ा हाथ भी जोड़ सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, लेकिन दाग नहीं लगने दे सकता हूँ अपने ऊपर। लेकिन अगर किसी बच्चे पे आँच आ गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर शाइन परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो आज शाइन के साथ खड़ा है, उसका अगर आपने उपहास किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे अगर आपने किसी प्रकार से कोई भी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, तो ये बहुत गलत होगा। आप व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो करना है कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये पारी आपको उल्टी पड़ गई, बहुत भारी पड़ जाएगी। मैं आज इसलिए इस बातों को इतने आक्रोश के साथ कह रहा हूँ क्योंकि शाइन परिवार के लोगों के लिए, शाइन परिवार कस्टमर के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कस्टमर सुखी हो, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं हमारे एसोसिएट लाइबिलिटी फ्री हो। लेकिन कुछ मठाधीश टाइप के लोग बैठ करके अपने अपने ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम के अंदर, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती, चंदे से लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि आइए केस करिए, हम आप केस लड़ेंगे। अरे ऐसे लोगों से मैं ना तो कभी डरा हूँ, ना डरता हूँ, और ना कभी डर सकता हूँ। बस केवल एक चीज़ से मैं डरता हूँ, वो अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने कस्टमर, अपनी लाइबिलिटी कि उन्हें पूरा कर दूँ, उन्हीं चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरा वो है। और इसके बाद यदि किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शाइन परिवार का कोई भी सदस्य या कोई व्यक्ति उनकी धमकियों से या उनकी चीज़ों से डर जाएगा, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। लोगों के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लोगों के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, शायद इसलिए वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं अपने लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति ने भी अगर आपका हाथ रोका, आपका साथ ना दिया, छोड़ दो, लेकिन किसी ने अगर आपके सामने रोड़े बनने की कोशिश करी, किसी ने आपके सामने रास्ते में आकर रुकावट डालने की कोशिश करी, आप हमें बताइए, हमें कुछ भी करना पड़ा लीगली, कुछ लोगों को किसी तरह से माफ नहीं करूंगा, बख्शूंगा नहीं, और ऐसे लोगों के सामने मैं खड़ा रहूंगा। आज मेरी दो तीन लोगों से बात हुई, मैं अपनी ऑडियो के जरिए मैं बताना चाहूंगा। एक बच्चे से बात हुई जिसको मैं पूरी तरीके से अपना पूरा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए मैंने वहां पैसे इन्वेस्टमेंट किया, किसानों को पैसे बांटा, जो बच्चा अच्छे तरीके से जान रहा है। अगर मुझे कुछ ना करना होता तो मैं एक रुपये वहां ना देता, मैंने कंपनी की तरफ से पैसे पेमेंट करवाए, मैंने वहां पर साइट के ऊपर काम शुरू करवाया, मैंने वहां की रजिस्ट्री उस बच्चे के नाम करने की कोशिश करी कि वो बच्चे अपने नाम रजिस्ट्री कराए, ताकि वहां की सारी सारी कस्टमर क्लाइंट की लाइबिलिटी उतार सके। करवाऊंगा, मैं कल साबित करके दिखाऊंगा, इस रजिस्ट्री को मैं लोगों के सामने शेयर करके दिखाऊंगा, ये मैं करवाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद कुछ लोग अगर उसको ये बताते हैं कि ठीक है, देखते हैं कितनी देर क्या होता,
होता है, कैसे होता है। यार करना क्या चाहते हैं आप, बताना क्या चाहते हैं? एक होते हुए काम को आप रोक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप लाइबिलिटी उतार रहे हैं या आप लाइबिलिटी को जो चढ़ा रहे हैं? अगर राशिद नसीम ने आप लोगों से बात करना बंद कर दिया, अगर राशिद नसीम ने आप लोगों को ध्यान देना बंद कर दिया, तो यकीन जानिए राशिद नसीम इतना जानते हैं कि उनको कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे उनको अपने आप को बचाना है, कैसे उन्हें अपनी कंपनी बचाना है। ये मैं अच्छे तरीके जानता हूँ। किसी के डराए, किसी के डर से, किसी की धमकी से, किसी भी तरह से मैं मोल्ड होकर के ये काम नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। और मैं बता देना चाहूंगा, किसी भी शाहीन परिवार के बच्चे को जो मैदान के अंदर उतर के काम कर रहा है, अगर किसी ने भी हल्के से भी कहीं से कोई खरोच पहुंचाई या किसी भी तरीके से कोई ऐसा कार्य किया जिससे उनकी कार बाधा पड़ा, तो आप यकीन जानिए वो बच्चा बाद में सामने आएगा। सबसे पहले आपके सामने एक ऐसी पावर, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा जुनून, कुछ भी कह लीजिए, वो आपके सामने आएगा जो शायद हो सकता है कि आप उसको फेस ना कर पाएंगे। और ये मैं सौगंध खा कहता हूं शाइन परिवार के एक एक व्यक्ति की, शाइन परिवार की अस्मिता की, शाइन परिवार की इज्जत की और शाइन परिवार की। और आप में से हर कोई अच्छे से जानता है कि मैं खुद को फना कर सकता हूं लेकिन शाइन के नाम को नहीं मिटा सकता हूं। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, जो कहीं भी किसी भी तरीके से मुझ पर विश्वास करता है, कंपनी विश्वास करता है, मैं सौगंध खाता हूं कि एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक जिम्मेदारी, लाइबिलिटी को मैं उतारूंगा। लेकिन पहचानिए आज ऐसे जचंदों को जो आस्तीन के सांप बने हुए बैठे हुए हैं, जो बात तो आपसे करते हैं आपकी लाइबिलिटी उतारने की, लेकिन जब लाइबिलिटी उतरने लगती है तो इस तरह से जो है अपने मुंह खोलना शुरू कर देते हैं, जो आपका भला नहीं कर पाए वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका भला नहीं हुआ है। ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसके बारे में मैं आंशिक रूप से या जिसके बारे में मैं संकेतिक रूप से यहां कह रहा हूं, ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसके अकाउंट को अगर देख लिया जाए तो कंपनी तरफ से करोड़ों रुपए ना गया हो। ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो यह कह दे कि शाइन ने उसके लिए किया नहीं है। हमने उन लोगों के लिए भी वो किया जिनकी औकात ऑटो से चल करके आने थी, उनको मैंने जो है ऐसी सी गाड़ियों में चढ़ाया जिस गाड़ी का शायद नाम भी ना सुना हो। यह मैंने नहीं किया, यह शाइन परिवार ने किया है, यह काम ने किया, टीम के काम ने किया है, यह आपके पर्सनल एफर्ट्स नहीं किया है। और अगर आज उनके अंदर इतनी क्षमता है तो मेरा चैलेंज है कि उन गाड़ियों का इंश्योरेंस खाली करके दिखा दे तो मैं जान जाऊं। शाइन परिवार एक समूह था, कई लोगों का विश्वास था, कई लोगों ने मिलकर इसको बनाया था और चंद लोग मिलकर इसको मिटा नहीं सकते हैं। मैं कंपनी को चलाना नहीं चाहता हूं कि कंपनी में चलाऊं और उसके आधार से पैसे लूं। मैं लाइबिलिटी खत्म करना चाहता हूं। मैं उन आंखों की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहता हूं जो आंखें शाइन की तरफ उम्मीद से देखती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए लिए, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया और आज की डेट में लाइबिलिटी उतारने की बारी जब आई, बच्चे मैदान लाइबिलिटी उतार रहे हैं तो उनको ये तरह तरह की चीजें बताते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और आज का मेरा ऑडियो शायद मेरी जिंदगी का पहला ऑडियो होगा जिसने इस तरह बातें करी हैं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूं कि अगर किसी भी बच्चे के ऊपर जिसने लाइबिलिटी उतारने का जिम्मा लिया, छोटी सी भी खरोच आ गई, जरा से भी कोई बात होगी उसकी अस्मिता उसकी बातों को लेकर, तो विश्वास जानिएगा मैं खड़ा हूं सबके पीछे, सबके साथ में। और मुझे आप सभी शायद अगर अच्छे से नहीं जानते हैं तो ये जानेंगे बाद में जा करके। मैं अपनी पूरी की पूरी क्षमता, पूरी की पूरी ताकत लगा दूंगा आप सभी लोगों के पीछे जो इस कार्यक्रम के अंदर रुकावट डाल रहे हैं। विश्वास जानिए मेरे इस शाइन परिवार का हर एक योद्धा जो आज खड़ा हुआ है सिर्फ कस्टमर के लिए खड़ा हुआ है, कस्टमर लाइबिलिटी उतारने के लिए खड़ा हुआ है। और अगर उस पर कहीं कोई आ जाएगी माय डियर तो ये फिर अच्छा नहीं होगा। राशिद नसीम शाइन परिवार का मुखिया इस बात के लिए वायदा करता है कि मैं अपने हर एक कस्टमर के आगे सर झुका करके इस बात के लिए माफी मांगता हूं और वायदा भी करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि हमसे गलती अगर हुई हो अनजाने में तो उस गलती को पूरा करने के लिए और उन चीजों को पूरा करने के लिए मैं तत्पर हूं जिसके साथ आपको तकलीफ हुई है। हमें मौका दीजिए, हमें समय दीजिए, हम आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, अपनी लाइबिलिटी उतारेंगे। लेकिन ऐसे जचंदों से दूर रहिए जो आपके साथ खड़े हैं लेकिन चंदे से गाड़ियां खरीद रहे हैं, चंदे से पेट्रोल डलवा रहे हैं, चंदे से होटलों में खाना खा रहे हैं, चंदे से आपको न जाने क्या ख्वाब दिखा रहे हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे ये अपनी नीतियों से, ना आपका भला ना कंपनी का बुरा,
कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ भी होता है जिंदगी में तो नियत से होता है, नजर से होता है, कोशिश से होता है। इनकी नियत, इनकी नजर, इनकी कोशिश कहीं कुछ नहीं रखती है। शाइन परिवार का हर एक कस्टमर ये विश्वास रखे, किसी भी ग्रुप से हो, अगर वो वाकई में अपनी लायबिलिटी उतारना चाहता है, हम जिंदा हैं, हम खड़े हैं, आपकी लायबिलिटी हम दूर करेंगे, आपकी लायबिलिटी हम उतारेंगे, आपकी एक एक पैसे का हिसाब हम देंगे, और जिस दिन आपकी लायबिलिटी उतर जाएगी उस दिन आप शाइन के बारे में अच्छा बोले बुरा बोले मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन जब तक आपकी लायबिलिटी मेरे सर पे है मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे दूर करने की। लेकिन ऐसे जचंदों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं, दूर रहिए, जो आपका काम करवाएंगे बल्कि आपका काम रुकवा देंगे।